पहले अपना मकान है इस गली च, पिछे मेरा अपना जाती सी जेड़ा मैं सेल कीता। सेल करके कुछ मैं डॉक्टरों नूं देते, कुछ बाबिया नूं देते, किसी ने कहा चीजा चंबड़ गई ने। लेकिन दोस्तों दोस्तों आज हम आए हैं चुंगी पे, ठीक है ना। भाई ने मैसेज किया था, बाहर नहीं बजे, भाई ने मैसेज किया था कि मेरे हालात मेरे खराब हैं, तो एक भाई ने गुमनाम मुजाहिद ने इन्हें पैसे भी भेजे हैं, भेजे हैं पैसे। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, पैसे भी भेजे हैं और राशन भी भेजा है। हाँ जी, राशन राशन भेजा भाई ने और एक भाई ने पैसे भेजे हैं आपको। हाँ। इसी तरह ही है ना, तो और क्या मसला था जी आपका? मेरी वाइफ का ना जहनी तवाजा मिल रहा है, उन्होंने मैं इलाज प्राइवेट करा रहा, पहले सरकारी अस्पताल च करा रहा, ठीक है। वो मेंटल वाले ने बिल्कुल भी काम खराब करता, ऊपर ही पेशाब करने लग पे, मंजी तो बिल्कुल हो गए। फिर उस तो बाद प्राइवेट चेक करा रहे हैं, हर 15 दिन बाद मैं बाजारों दवाई लेनी पैंदी है, अपनी भी अपनी वाइफ की भी। मैं हार्ट पेशेंट तकरीबन 7-7.5 हज़ार रुपए की हर 15 दिन बाद आई, हर 15 दिन बाद मैं चेक करा जाना। मेरे घर ना बेटा पैदा होया, छोटा है वाला मेरा, ते उदों दा ही मसला छिले दा ही बनया। किन्ने से तू? ये 11 साल हो गए। 11 साल, उस तो बाद जेनी तो आदमी नहीं, उस तो बाद तो सही नहीं, हुण कुछ बेहतर हो रही है। वो भी अगर मैं दवाई प्रॉपर खांदा रहा, दवाई मैं बिल्कुल बंद करती क्योंकि मेरे वसाइल नहीं है, वो फिर मजीद बिगड़ दी। काम कर दे, मैं कुछ भी नहीं फारग हूँ फिलहाल। पहले की पहले मैं चौकीदारा करना सा। अच्छा, तुम्हारे बच्चे कितने ने? मेरे 5 बच्चे ने। 5 बच्चे ने, तो हुण तुसीं की चाहते हो, की होना चाहिए? रोजगार मिल जाए, अमदाद हो जाए मेरी, ताकि मैं अपनी वाइफ का प्रॉपर इलाज करा सका। प्रॉपर इलाज करा सका। हाँ जी, अपना भी, अपनी वाइफ का भी। वाइफ सारे सुते ने? हाँ जी, लेटे ने। ये भजन इनकी वाइफ है जो जहनी तवाजुन खराब हो चुका है, तो आज आज बस ठीक है, कोई गल नहीं, ठीक है, बेराम ना करो, बेराम ना करो। कुछ बाबिया नूं देते, किसी ने कहा चीजा चंबड़ गई ने, मतलब जिस तरह मैनूं लोग कहंदे रहे ने, मैं उस तरह भज नस करदा रहा। उस तो बाद मेरे को ना मकान रहा है, ना मेरा अपना कारोबार रहा, दुकान सी मेरी इस बाजार च अपनी जाती कपड़े की दुकान सी। अच्छा, उस तो बाद मैं सारा कुछ बेच के अपनी वाइफ तला मतलब शफा नहीं। हाँ जी, ए हूं आन के गुलाब के भी अंदर एक डॉक्टर है, पिछे वार्ड है मेंटल वार्ड, उत्थे मैं जाना, सब तो वड्डी डॉक्टर है, मेरे नाल मुहब्बत करती, मेरी बच्ची बीवी नूं बिल्कुल फ्री चेक करती, कोई पैसा नहीं लैंदे। दवाई बाजारी कहती बेटा लैनी है, दवाई फिर मैं बाजारों लैनी पैंदी। मुमकिन सर, फिलहाल तो मैं जो 11 साल तो थक गया, इस डॉक्टर तो मैं कुछ नजर आया। अच्छा, यानी कि मेडिसिन खाने मेरी घर की माड़ा चंगा टुरन फिरन लग पी है, चेहरे तो थोड़ी रवानगी आ गई है। दूसरे डॉक्टर जिन्ने मैंने सारे नींद दी गोलियां दे दें, एक सुती रवे बस, लेकिन इन्हें नींद की गोली नहीं दी। नींद की गोली लिखी जरूर हुई उन्हें, वो भी उन्हें क्या उदो देनी जो बहुत ज्यादा तुम तंग करे, मतलब कि तुम्हारे कंट्रोल तो बाहर हो जाए, फिर नींद की गोली दे दो ताकि आराम ना पाए। आराम ना पाए, हाँ, बहरहाल होश होंगी, नींद की गोली ना भी होश होंगी। 2000 रुपया आपको ना गुम नाम मुजाहिद की तरफ से है, बाकी इलाज के लिए भी कुछ करते हैं। अल्लाह ताला आपकी वाइफ को शफा दे, ठीक है ना, और आपके हालात अल्लाह बेहतर करे। बच्चे कितने बताए थे? 5, 3 बेटियां 2 बेटे पढ़ते नहीं, वो स्कूल जाना चाहता लेकिन मेरे को वसाइल नहीं है कि मैं स्कूल के। बड़ा बेटा कितनी उम्र का? बड़ा बेटा मेरा 15 साल का। और सबसे छोटा? सबसे छोटा ये है 10-11 साल। 11 साल, हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। खुदा हाफिज़। ठीक है जनाब।